कैसे है राहुल गांधी की जिंदगी, युवराज या फिर कॉमन मैन, क्या है लाइफस्टाइल? क्या राहुल सोलो ट्रैवल भी कर सकते हैं? राहुल गांधी जिन्हें बीजेपी के नेता हमेशा से युवराज कहकर तंज कसते रहे हैं, इस देवभूमि से जय श्री राम का नारा अमेठी के उस युवराज के कान तक निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए जिसकी सरकार ने दुस्साहस किया, जिसकी माताजी ने रिमोट का बटन दबाते हुए वकीलों को कांग्रेस की सरकार में कहा कि जाओ जाकर कोर्ट में दस्तावेज दे दो कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था। राहुल परिवार का युवराज, जिनके पिता और दादी दोनों देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो कैसी जिंदगी जीते हैं? राहुल गांधी इस वक्त अपनी भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं बल्कि कर्ली टेल को दिए इंटरव्यू की वजह से भी छा गए हैं। इस कैजुअल इंटरेक्शन में कर्ली टेल की एडिटर इन चीफ कामिया जानी ने राहुल गांधी के साथ संडे डिनर किया और मजेदार बातचीत की। इस बीच राहुल गांधी ने कई खुलासे भी किए। सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो ये था कि वो एक एक्सप्लोरर है। एक ऐसे राजनीतिक खानदान से आते हैं राहुल जिसमें दो बड़े शख्सियतों की हत्या की गई थी। ऐसे में हर किसी को लगता होगा कि राहुल हमेशा प्रोटेक्शन में रहते होंगे, लेकिन इस इंटरव्यू में राहुल ने खुद बताया कि वो एक सोलो ट्रैवलर है। उन्होंने अपनी यंग एज में बिना सिक्योरिटी के कई बार ट्रैवल किया। बैकपैक्स मेमोरी शेयर करते हुए राहुल ने बताया कि कैसे वो यंग एज में बर्मा गए थे, साइकिल से यूरोप में उनका अलग एक्सपीरियंस रहा, इटली स्पेन पूरा साइकिल से घूमे हैं। भाई इसके अलावा भी राहुल गांधी के इस इंटरव्यू को देखकर पता चलता है कि उनका लाइफ को लेकर नैरेटिव काफी सिंपल रहा है। जैसे चाहे खाना हो, घूमना हो, कलर हो या फिर कोई भी चीज, राहुल गांधी का कुछ भी फेवरेट नहीं है। वो एक एक्सप्लोरर है। उनसे जब पूछा गया कि उनका फेवरेट प्लेस क्या है तो उन्होंने इस पर भी वही कहा कि क्योंकि वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं तो ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई नहीं गया हो, फेवरेट कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में बताया कि वे कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ खूब साइकिलिंग किया करते थे। दूसरों की तरह राहुल भी खुद से सवाल जवाब करते हैं, जैसे क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्या उन्हें सक्सेस मिलेगा। राहुल इंटरव्यू में बताते हैं कि इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता। जिसने कहा कि उसे जवाब मिल गया है वो बेवकूफ है, क्योंकि यही लाइफ है जिसमें आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते। इस इंटरव्यू में राहुल ने अपनी पहली नौकरी, अपनी लाइफ, पार्टनर की तलाश और डाइट फिटनेस को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि वो रात को सोते वक्त फोन अपने पास नहीं रखते। ये काफी इंस्पिरेशनल बताया गया। उनके पास हमेशा रुद्राक्ष, भगवान शिव और बुद्धा की तस्वीरें भी होती है। राहुल गांधी बहुत ही खानदानी परिवार से आते हैं, गांधी परिवार, जिसके लिए कहा जाता है कि इस परिवार ने 70 सालों तक भारत में राज किया। उसके युवराज असल जिंदगी में युवराज की तरह नहीं रहते, ना उनको खाने में कोई तामझाम पसंद है। हाँ, नॉनवेज राहुल को पसंद है, लेकिन ज्यादा नखरे उन्होंने कभी नहीं दिखाए। इसी के चलते राहुल का ये इंटरव्यू काफी सुपरहिट रहा है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।